हेलो गाइस, सलाम नमस्ते आदाब, कैसे हैं आप लोग। हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे और सैटरडे का मजा ले रहे होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ। गाइस, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है जो कि अभी घूमने के लिए दुबई गया हुआ था और मैंने उसको अपनी कुछ लिस्ट बताई थी कि मुझे क्या क्या वहाँ से चाहिए, क्योंकि मेरे को पता लगा था वहाँ से काफ़ी अच्छा सामान मिलता है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँगा कि मेरे लिए वहाँ से क्या क्या लाया। तो गाइस, आपको वीडियो में बने रहना है ताकि मैं आपको सारे के सारे गिफ्ट्स शो कर पाऊँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं छोटे से बड़े गिफ्ट से, ठीक है, मतलब प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये NY की कैप, जो कि आप सबको पता ही होगा गाइस, ये बॉलीवुड में या जो सुपरस्टार्स होते हैं काफ़ी पहनते, आप देख सकते हैं क्या लुक आती है इसकी गाइस, ये देखिए, लग रहा हो ना मस्त। तो गाइज, ये मैंने उससे मंगाया था क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मिल नहीं पा रही थी, मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया था तो जो मिल भी थी वो डुप्लीकेट थी, तो मैंने सोचा नहीं ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए गाइज, मैं इसका आपको पहचाने बताया, तो देखिए ये इसके साइड में एक लोगो लगा होता है और यहाँ पे इसके पीछे इसका नाम लिखा होता है, तो ओरिजिनल की पहचान है। हम आएंगे सेकेंड गिफ्ट के, ये देखिए गाइज, ये A6 का ओनित्सुका का शूज़ है, जो कि ये भी मैंने वहीं से मंगाया। ये शूज़ यहाँ से भी मिल जाता है गाइस, लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस का मिलता है और काफ़ी वैरायटी वहाँ पे मिलती है इंडिया कंपैरेटिवली, तो इसलिए मैंने ये शूज़ भी वहीं से मंगाया अपने लिए। अब जो गिफ्ट के बारे में गाइस, वो थोड़ा स्पेशल है, वो है परफ्यूम। आप सभी को पता है हमारा अच्छा स्मेल करना कितना ही ज़रूरी है हमारे आज की डेट में, और अगर वो अच्छे से भी अच्छा मतलब बेस्ट क्वालिटी का परफ्यूम हो तो बात ही क्या है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गाइस परफ्यूम ऑयल, वो भी प्योर। इसकी पैकिंग देखिए गाइस, कितनी अच्छी पैकिंग है इसकी, आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज्वेलरी बॉक्स में इसको पैक किया गया है, और ये देखिए क्या लुक आती है इसकी, लग रहा है ना जैसे किसी शेख ने ला के दिया हो, बिल्कुल है ना, शेख ही ने ला के दिया वैसे। ये देखिए गाइस, आजकल गाइस परफ्यूम लगाना पुराना हो गया, आजकल लोग ये प्योर परफ्यूम ऑयल लगाते हैं, या जो लोग दुबई में काफ़ी विजिट करते थे वो ऊद मंगाते हैं अपने लिए। और गाइस लेट मी टेल यू, इसकी फ्रेगनेंस इतनी फाड़ है, इतनी फाड़ है, इतनी फाड़ है ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसको आपको हार्डली एक बूंद अपने यहाँ पे लगाना है, ये कान के पीछे लगाना है, नेक पे लगाना है गाइस, और मैं ये गारंटी से बात कर सकता हूँ, इसकी फ्रेगनेंस ऐसी आएगी ना कि आपको लीक से बिल्कुल डिफरेंट सेट करेगी कि हाँ ये डिफरेंट कोई बंदा है। क्योंकि आप देखते होंगे जो हम डीओ लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, उसकी जो फ्रेगनेंस होती है काफ़ी लाउड होती है और प्लीजिंग नहीं होता है, मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल नोज ब्लॉक कर देता है सामने वाले का, हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नहीं गाइस, वो दूसरों के लिए काफ़ी इरिटेटिंग होता है, तो इसलिए मैंने ये अपने लिए मंगाया और अब से मैं यही लगाने वाला हूँ। और गाइस, अब बारी है हमारे फाइनल गिफ्ट की। गाइस, आपने अरमानी का नाम तो सुना ही होगा, अरमानी के तीन सेक्शन होते हैं गाइस, एक होता है अरमानी, एक होता है अरमानी एक्सचेंज, एम्पोरियो अरमानी और जॉर्जियो अरमानी, ये तीन होते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा होता है, एक होता है थोड़ा नॉर्मल रेंज का, एक थोड़ा मीडियम रेंज का और थोड़े ज़्यादा रेंज का। तो अब जो मेरा चौथा गिफ्ट है गाइस, वो है तीसरी रेंज वाला ही, ये है जॉर्जियो अरमानी का परफ्यूम गाइस। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस, इसकी भी पैकिंग बहुत ही शानदार है, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है गाइस, और परफ्यूम की फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए गाइस, ये है इसके लुक, इसकी फ्रेगनेंस भी गाइस बहुत अच्छी है। ये मेरी मिसेस के लिए है, ये फीमेल परफ्यूम है। तो गाइस, ये मेरे चार गिफ्ट थे जो कि मैंने दुबई से मंगाया, और गाइस मैं बहुत ही ग्रेटफुल अपने फ्रेंड का जिसने मुझे केवल एक कॉल पे ही इतने सारे गिफ्ट्स ला के दे दिए। पैसे लगे गाइस, लेकिन गाइस जो दिल को सुकून मिला ना कि हाँ इम्पोर्टेड चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट ओरिजिनल ये चीज़ होगी, और इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इंडिया में मिलती भी नहीं है। तो गाइस ये जो मज़ा है ना कि लीक से डिफरेंट बिल्कुल सेट हो जाना, मज़ा ही आ गया गाइस। तो गाइस यहीं पे होता है हमें मिले हमारे गिफ्ट्स का एंड, अब हम वेट करेंगे कब हमारा फ्रेंड नेक्स्ट टाइम दोबारा जाए और हम दोबारा उसको कुछ ना कुछ बता पाए। इस बार कोशिश करूँगा मैं खुद ही जाऊँ,
मैं सोचूं महीने दो महीने में खुद भी विजिट करूं, क्योंकि उससे जो लिस्ट थी वो मंगा पाऊं, लेकिन खुद विजिट करेंगे तो जितना अच्छे से अच्छे और सामान दिखे वो भी मंगा पाएंगे, है ना। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और गाइज प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे मोटिवेटेड फील करते हैं और नए नए वीडियोज़ के साथ जल्द से जल्द हम वापस आते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही सब्सक्रिप्शन के बाद। तो गाइज जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपने मुस्लिम भाइयों को चांद मुबारक, बाय गाइज।